बिजनौर से न्यूज लाइव के लिए मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। बिजनौर में चोरी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। चोर ना दिन देखते हैं ना रात, वो सिर्फ अपने टारगेट पर निशाना साधते हैं और हादसे को अंजाम दे देते हैं। बिजनौर के घंटाघर पर स्थित राकेश आयुर्वेदिक भंडार के मालिक तरुण शर्मा की अपाचे बाइक मोहल्ला आचार जान में भगत सिंह चौक के पास से चोरी हो गई। तरुण का कहना है कि वो रात को दुकान बंद करने के बाद घर गए और घर से करीब 12:45 बजे कुछ सामान देने अपने दोस्त के घर मोहल्ला आचारजान भगत सिंह चौक के निकट गए, जहां पर घर के बाहर वो अपनी अपाचे बाइक खड़ी करके सामान देने के लिए अंदर गए और कुछ ही मिनट के बाद जब वो वापस आए तो उनकी बाइक वहां से गायब थी। तरुण ने पुलिस में तहरीर दे दी है, साथ ही उन्होंने CCTV कैमरे की फुटेज भी पुलिस को सौंपी है। जी, क्या नाम है आपका? तरुण शर्मा। तरुण, आपकी बाइक चोरी हुई है? हाँ जी सर। किस नंबर की बाइक थी? UP BCAD 1977 अपाचे ग्रे कलर की। कहाँ पे आप गए थे जहाँ से चोरी हुई? मैं गया था रात को 12 बजे करीब, शनि मंदिर है जी, शनि मंदिर के सामने कपड़ा डॉक्टर बैठा था उसके सामने। कौन से मोहल्ले में? मोहल्ला गोविंद देहाता है शायद वो। अचार जान में जो होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं उनके सामने डाकखाना है, उनके बाहर ही खड़ी करी थी मैंने। अच्छा। रात अपने दोस्त के गया था, मैंने बाहर बाइक लगाई, अंदर से टिफिन उठाने गया था, केवल 5-10 मिनट के अंदर खेल कर दिया। तो क्या चाबी उसमें लगी हुई थी? कैसे? चाबी तो मेरे पास थी। लॉक तोड़ के ले गए? लॉक तोड़ के ले गए। अपाचे बाइक कब की बात है? टीवी फुटेज में भी आ गया, मैंने आगे से देखा राम के चौक की तरफ भागे भागे गए हुए। दो बंदे थे पीछे से आ रहे थे, मतलब डाकखाने की साइड से आए मेरे पीछे पीछे। अच्छा। पीछे लगे पड़े थे डाकने साहब से, पीछे पीछे आए और दो अपाचे बाइक थी रेड कलर की उनके पास में। उन्होंने क्या कहते हैं, एक पीछे बाइक से चला रहा था, एक पैदल पैदल लेके भागा उसको, और CCTV फुटेज में आ गया। अच्छा, कहाँ पे लगी हुई थी CCTV? CCTV फुटेज लगी पड़ी थी यहाँ से डेयरी है इधर की साइड में, जी भगत सिंह चौक पर। हाँ, शायद वहाँ पे डेयरी है, डेयरी के आगे वो है कंप्यूटर सेंटर है कोई, वहाँ पे उन्होंने CCTV फुटेज में वहाँ से पूरी आ गई इसमें। अच्छा, पूरी आ गई आपके पास है? मेरे पास में फुटेज है। ठीक है, तो अब क्या आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी? रिपोर्ट दर्ज करा दी, 24 तारीख की रात में वो करा दिया था, पेट्रोलियम टीम को भी बता दिया था, पर कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिला।